तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम ये स्लीपर बनाना सीखेंगे। ये आप अपने बचे हुए कपड़े से, पुराने कपड़े से बना सकते हैं। जैसे फर्श सर्दियों में ठंडा ठंडा लगता है तो आप अपने घर में इसे फर्श पे पहन सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनली पहनने के लिए घर में फर्श पे आप बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनाई जाती है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर स्लीपर बनाने के लिए क्या करना होगा, एक आपको रबड़ सीट लेना है इस तरीके से, ठीक है। रबड़ सीट ले लेंगे, अगर आपको रबड़ सीट ना मिले, वैसे मार्केट में मिल जाए क्योंकि आजकल के शलवार के पैंचों में पड़ रही है, ठीक है। अगर आपको ये मिल जाती है तो सही है, अगर आपको ये नहीं मिलती मार्केट में तो आपको यहाँ पर पुरानी जीन्स वगैरह लेना होगी, ठीक है, जिससे हमारा स्लीपर का यहाँ पर तला मोटा रहे। और इस तरीके से आप जिसका भी साइज बनाना चाहें वो साइज इसकी चप्पल लें और इस तरीके से निशान लगा लें। इस तरीके से अच्छी तरीके से निशान लगा लीजिए। और निशान लगाने के बाद आपको यहां क्या करना है, इसको एक पैर का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए और इसको कटिंग कर देना है। इन दोनों को बराबर रोक लेंगे जिससे क्या नाम है, ये आगे पीछे ना हो, या आप पंच मशीन से पंच भी कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, या सिलाई कटाका भी लगा के रोक लें। दोस्तों हमने यहाँ पर इन्हें कटिंग कर लिया है, मगर इसका राउंड जो लेंगे ना बिल्कुल बढ़िया करके लेंगे, आगे पीछे ना हो। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर दोनों स्लीपर की साइड हो जाती है कटिंग। कटिंग करने के बाद इस तरीके से वापस चप्पल रखेंगे, या आप पहले ही निशान लगा सकते हैं। तो जो कि बद्दी का हिस्सा है ना हमारा, यहाँ से हम निशान लगा देंगे इस तरीके से, और दूसरी साइड में भी यहाँ पर ही निशान लगा देंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लगा देने होंगे कट, जिससे हमें पहचान रहे कि हमें इसकी आगे वाली साइड भी कटिंग करना है। तो यहाँ हल्के हल्के हम कट के निशान लगा देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके देख लेंगे बराबर है। तो ये यहाँ पर हमारे निशान आ रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब हमारे निशान लग गए, इसके पीछे हमें निशान लगा देना है इस तरीके से, ठीक है, जिससे ये जवाबी हो जाए इस प्रकार। अब ये हमारे जवाबी हो चुके हैं, अब हमें इसके आगे के पार्ट्स काटना है ऊपर वाले। तो आपको यहाँ पर कोई भी कपड़ा लेना होगा, गर्म कपड़ा, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले तो हमें इस तरीके के दो दो काटना है, दो डबल, यानी कि इस तरीके के हमें यहाँ पर चार कटिंग करना होंगे, चाहे आप एक ही कलर कर लें या अलग अलग कलर लें। तो हम इसको यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे, आप निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं, कटिंग करने के बाद हमें इस पे भी निशान लगाना होंगे इस प्रकार। और अब हमने दो पीस कटिंग कर लिए हैं ना, तो दो पीस हमें इस तरीके के और कटिंग करना है। तो हमने यहाँ पर दो पीस इसके कर लिए हैं, दो पीस इसके कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर का पार्ट्स कटिंग करना होगा, तो इन्हें हम उठा के रख देते हैं एक तरफ को। और कोई भी आप गर्म कपड़ा ले सकते हैं, जैसे हमने जो हमने ये रखा है ना, ये मैचिंग का ही लेंगे आप। तो इस तरीके से हम रखेंगे इसको, और रखने के बाद में इस पे भी हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से रखना है, इस तरीके से इसको रखना है, और रखने के बाद में यहाँ पर हम इसे कटिंग करेंगे। तो आपको इसकी जो दूरी रखना है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से सवा इंच लेंगे इधर को, और सवा इंच लेंगे इस साइड में, इस कट से जो कट है हमारा, के सवा इंच इधर लेंगे, और इसको यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना होगा। अब हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं।
कटिंग करने के बाद अब हमारा इधर का जो हिस्सा है इसको भी कटिंग कर लेंगे यहाँ से मिला के, ठीक है, इस बॉर्डर से मिला के यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। अब हमारा ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, तो हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं, मशीन पर चल के करते हैं इसको कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमने जो ये पीस लिया है तो नीचे की साइड में रखेंगे हम इसको और इस प्रकार रखेंगे अपनी रबड़ सीट को। अगर आपके पास रबड़ सीट नहीं है ना तो आप यहाँ पर कोई पुरानी जीन्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर डालने के लिए, जिससे तला भारी रहे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और इसको यहाँ पर जो रबड़ सीट है ना अंदर, उसके बराबर बराबर इसको कटिंग कर लेंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और ये ध्यान रखें रबड़ सीट नहीं कटना चाहिए आपको, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ कटिंग करना है। तो ये सही है बिल्कुल, उल्टी साइड हमारी ये है और सीधी साइड ये है। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे सिलाइयाँ। तो हमने यहाँ पर अपना एक तली तैयार कर ली है, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है हमारा यहाँ से। और इसी तरह सेम तरीके से हमें अपनी दूसरी तली को तैयार करना होगा इस वाली को। हमने यहाँ पर अपनी दोनों तली तैयार कर ली हैं। तैयार करने के बाद में इसको रख देते हैं हम एक तरफ। अब हमें ये ऊपर के अपने पीस तैयार करना होंगे, तो उसके लिए हमें नीचे जो हमने सेम कपड़ा अपनी इस तरी में लगाया था वही कपड़ा हमें यहाँ लगाना है। और उसके बाद सबसे पहले आप निशानों का ध्यान ज़रूर रखेंगे, जो हमने निशान लगाए थे ये हमारे जैसे हम इस पार्ट में रखें वैसे हमें दूसरे पार्ट्स में रखना होंगे, वरना ऐसा ना हो कि आपके एक ही पैर के चप्पल बन जाए, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर निशानों का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे। अब जैसे हमने इसको रखे हैं इसके निशान जो ये वाले हैं वो हमने अंदर की साइड में रखे थे, तो इस पे भी हम अंदर की साइड में रखेंगे। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम इस पे भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम रबड़ सीट के बराबर बिल्कुल इसको कटिंग कर लेंगे। आपका शेप नहीं बिगड़ना चाहिए, ध्यान रखना जैसा हमारा रबड़ सीट का शेप है वैसी रहना चाहिए सेम। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, अब यहाँ पर हम जैसे हमने ऊपर तले में सिलाइयाँ लगाई हैं सेम तरीके से सिलाई हमें यहाँ पर भी लगाना है। इन सिलाइयों से ये होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो चिपक जाएगा एक दूसरे से, अलग अलग नहीं होगा।
तो हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब दोस्तों जो दूसरा वाला पीस है वो भी हमें सेम तरीके से तैयार करना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे दोनों पीस हो चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद में अब हमें लेना है यहाँ पर उरे पाइपिन। तो पाइपिन को हम रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे बराबर मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर को फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हमें इस वाले पीस में लगा लेना होगी। अब हमने यहाँ पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे जहाँ से हमारे कट हैं ये वाले, और इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने 1/4 इंच इधर रखा था, 1/4 इंच इधर रखा था, तो इसको 1/4 इंच का सेंटर बना लेंगे बिल्कुल बढ़िया करके और इसको इस प्रकार रख लेंगे। रखने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर लेंगे, मगर आपको यहाँ से नहीं करना है कटिंग, बस यहाँ तक मिलाना है और इसको यहाँ तक मिलाना है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार, क्योंकि ज़्यादा ओवर रहेगा ना तो यहाँ पर झोल आएगी और ये सही नहीं बैठेगा। इस तरह इसी प्रकार हमें अपने दूसरे पीस को सेट करना होगा। इस पीस को रख के उसे कटिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है, इस कट से मिला के इस चीज़ को और इस पर लगा देना है एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसे लगा लिया है। लगाने के बाद में तो दोस्तों इसी प्रकार हमें अपना दूसरा पीस लगाना है। ये देखिए आप कितना अच्छा बेहतरीन लुक आ गया इसमें। अब इसी तरह हमें दूसरा पीस लगाना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों पीस अपने अटैच कर लिए हैं। अब हमें लेना है ओरे पाइपिन। ठीक है, ओरे पाइपिन की जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 1.5 इंच, तो आपको यहाँ 1.5 इंच लेना होगी और इस तरीके से यहाँ से आप जॉइंट करेंगे, इसको इस तरीके से पलट लेंगे, फोल्ड कर लेंगे जो पलट के हमारा पक्की साइड आए, और यहाँ से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, और नीचे की साइड में आपको पाइपिंग रखना है और इसका लगाना शुरू कर देंगे। जो आपने सिलाई लगाई ना पैर की, इसी तरह आपको लगाना होगी। यहाँ से कर देंगे कट और कट करने के बाद इसको हम पलट लेंगे इस प्रकार। आपको यहाँ पर पाइपिंग इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओरे भी लेना है। ठीक है, ओरे भी लेना है और कॉटन की ले लें तो बेहतर होगा। इस तरीके से पलटना है और इसको अच्छी तरीके से सेट करना है, और सेट करने के बाद इस तरीके से पलट के और सिलाई लगाना है। आपको यहाँ पर जो जॉइंट है ना अपना ये वाला, इसको ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि रुक जाएगा अच्छी तरीके से, इधर उधर को नहीं होगा। ठीक है, जॉइंट लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी पाइपिंग को पलट लेना है, मगर एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक पैर से ज़्यादा आपको ये वाला मार्जिन नहीं लेना है। अगर आपने एक पैर से ज़्यादा मार्जिन लिया ना तो यहाँ पर पता है क्या होगा कि आपकी पाइपिंग की चौड़ाई कम पड़ जाएगी। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लेना है और पलट देना है।
इसकी जो सेटिंग है ना पाइपिंग की, वो अपने आप होती चली आई, क्योंकि ये ऑरेव है ना, बहुत प्यारी सेटिंग होगी इसकी। आपको बस बड़ी फिनिशिंग के संग इसको पलटना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पाइपिंग निकाल ली है, इसी तरह हमें अपनी दूसरे वाले पीस में पाइपिंग निकालना होगी। तो हम इस वाले पीस में ही पाइपिंग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर स्लीपर हो चुके हैं तैयार, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने शानदार हैं ये। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लीजिए। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।